जिला मुख्यालय धर्मशाला में प्रशासन द्वारा शनिवार को सर्वधर्म प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासन की ओर से एसडीएम धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों सहित नगर निगम अधिकारी व महापौर सहित पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की और एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर भाव बनाए रखने की अपील की। धर्मशाला के एसडीएम हरीश गज्जू ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि सभी एक दूसरे के धर्म का आदर करें और किसी भी प्रकार की अफवाह को इलाके में न फैलने दें। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और कर्फ्यू में ढील के दौरान कम से कम लोगों को बाहर आने की अपील की। विभिन्न समुदायों के साथ इसलिए मीटिंग की थी कि इलाके में बहुत सारी अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि कहीं कोई सफेद कपड़ों वाले आ गए, कहीं इस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग इस बात को समझें और सब एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करें और किसी भी तरह की अफवाह को इलाके में ना फैलने दें। साथ ही साथ लोग ये अंडरस्टैंड करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रख के आपस दूरी रखें, कर्फ्यू आवर्स में कम से कम लोग बाहर आएं और कोशिश करें कि जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें मिनिमम से मिनिमम लोग बाहर आएं और सिर्फ अपने काम से रिलेटेड कामों के लिए ही बाहर आएं। और समाज में भी एक दूसरे को हम समझाएं, किसी भी तरह की अफवाहों को हम जोर ना दें और अगर किसी भी तरह कोई दिक्कत आती है तो अफवाहों को पहले वेरीफाई कर लें, प्रशासन को अपनी शिकायत दें, पुलिस को अपनी शिकायत दें ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें और किसी तरह का पैनिक इकट्ठा होकर लोग इकट्ठे ना हों। वहीं धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि सर्वधर्म बैठक के दौरान कोरोना वायरस को लेकर जानकारियां साझा की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जो कोरोना वायरस से आज लड़ाई पूरा विश्व लड़ रहा है उस हेतु जितनी भी जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ यहाँ पर साझा हुई हैं। हम लोग अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि इस कोरोना वायरस से हम लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे इससे जीत प्राप्त करेंगे। ये सारी जानकारी यहाँ पर हम लोगों ने आपस में साझा की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक के सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। हमने सभी से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि सरकार और प्रशासन ने जिस तरह से हम लोगों से निवेदन किया कि इस कोरोना वायरस में हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है और किस तरह से नियमों का पालन करना है, अपने अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करना है, सतर्क रहना है, ये सारी जानकारियाँ आज प्रशासन के अधिकारियों ने और हमने स्वयं जितने भी सर्वधर्म के लोग आए थे इन लोगों के साथ साझा की है। धर्मशाला की जामा मस्जिद के प्रतिनिधि मोहम्मद कालिम ने बताया कि जिला प्रशासन ने सर्वधर्म बैठक की जिसमें धर्मशाला में रहने वाले हर धर्म के व्यक्ति को एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने जो ये बैठक की है ये सर्वधर्म संभाव की बैठक थी। हर धर्म का आदमी जो धर्मशाला में रहता है उनमें एक ऐसा मैसेज जाए कि हम सब लोग एक हैं और ये जो विश्व में एक महामारी कोरोना वायरस के नाम से, इस शैतान के नाम से जानी जाती है, हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकें, उसके संबंध में माननीय MLA जी भी यहाँ है और तमाम महकमे को कमिश्नरान भी यहाँ इकट्ठे हुए और सभी धर्मों के जो धर्मार्थी हैं वो भी सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आपस में सब में यही सलाह मशवरा हुआ है कि हर आदमी सामाजिक दूरी बनाए और जो अपने अपने धर्मों में रहकर अपने अपने समुदाय को इस महामारी से कैसे निपटना है उसके दिशा निर्देश जारी करें। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजित निप्पी की रिपोर्ट।